ডাক্তার সাহাবর পত্নীর একাউন্টত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ধন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামত সুমালে হাজার হাজার টাকা, কিন্তু কেনেকৈ দুখিয়া দরিদ্রর নামত অহা ধন সুমাল গৈ ডাক্তারর পত্নীর একাউন্টত। ডাক্তার সাহাবর পরিয়ালেও দেখালে সততার পরিচয়। এটা দুখিয়া দরিদ্র পরিয়াললৈ অহা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ধন সুমাল গৈ এজন ডাক্তারর পত্নীর একাউন্টত। ঘটনা মধ্যপ্রদেশের অষ্টা বিধানসভা সমষ্টির। কমল সিং ধঙ্গার নামের এজন বৃদ্ধ ব্যক্তির একাউন্টত সুমাব লাগিছিল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পঁচিশ হাজার টাকা। আসনির ধন অহার খবর পাই বহু সুখী আছিল কমল সিং ধঙ্গার, কিন্তু আশা নিরাশলে পরিণত হল যেতিয়া কমল সিংয়ে গম পালে যে তেওঁর একাউন্টত সুমাবলগীয়া ধন ইতিমধ্যে অন্য ব্যক্তির একাউন্টত সুমাইছেগৈ। গাঁও পঞ্চায়েতের সচিবে এই বিষয়ে তদন্ত করতে পোহরলে আহে যে অঞ্চলের নিবাসী লক্ষ্মণ সিং ঠাকুরের পত্নীর একাউন্টত সুমাইছে হিতাধিকারী কমল সিংয়ের আবাস যোজনার ধন। ইয়ার পিছতে লক্ষ্মণ সিং ঠাকুরে দেখালে মহানুভবতা। দুখিয়া দরিদ্র প্রাপ্যর ধন মোক নালাগে বলে কিছুদিনের পাছতেই হিতাধিকারী কমল সিংক লগ করে নিজ হাতে উভতাই দিলেগৈ সকলো ধন। পঁচিশ হাজার টাকা ঘুরাই পাই দুখিয়া কমল সিংর মুখত এতিয়া বিড়িঙিছে হাঁহি। মই পঞ্চায়েত সচিব রূপ সিং বর্মা, গ্রাম পঞ্চায়েত বড়োদিয়া গাডরি সে হুঁ, আর ইয়ে আমার পঞ্চায়েত কে হিতগ্রাহী কমল সিং, পিতা জগন্নাথ সিং ধনগর, ইনকো পিএম আবাস योजना के तहत आवास प्राप्त हुआ था, जिनकी पहली किस्त त्रुटिवश हमारे डॉक्टर साहब की पत्नी श्रीमती मनोरमा बाई ठाकुर उनके अकाउंट में इनकी राशि जमा हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से संपर्क किया और डॉक्टर साहब ने भी मुझे बोला क्या कि मैं गरीब लोग का पैसा नहीं रखूंगा, सेक्रेटरी साहब आप जब भी मेरे को बोलेंगे मैं पेमेंट लेके और आपके पास आऊँगा। और मैंने भी निवेदन डॉक्टर साहब से यही कहा कि डॉक्टर साहब अपन वहीं पे चल के उनके घर और उनको पैसा वापस लौटाएंगे, क्योंकि जिनको ये आवास मिली है वो बेचारे इतने गरीब तबके के लोग हैं कि वो अगर 25,000 रुपये अगर उनको नहीं मिले तो ये आवास बनाना संभव नहीं है उनके लिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्या कि साहब मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए और मैं उनका पैसा वापस करूंगा। सर जी ये समस्या थी कि जो प्रधान आवास था कमल सिंह जी गाडरी बड़ौदा गाडरी के रहने वाले हैं, बहुत गरीब किसान हैं, उनकी जो पहली किस्त थी 25,000 रुपये की वो हमारे जो घरवाली है श्रीमती मनोरमा भाई ठाकुर उनके खाते में आ गई थी। तो मैंने जैसे ही चेक करवाया खाता तो मुझे पता चला, तो मैंने 20-25 रोज तक तो उस पैसे को सेफ रखा, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। फिर जैसे ही सेक्रेटरी साहब हमारे रूप सिंह जी वर्मा उसी पंचायत के बड़ौदा गाडरी के रहने वाले हैं, मेरे को जैसे ही पता चला उनका मेरे पास फ़ोन आया तो हमने उनको भरोसा दिलाया कि साहब मैं 2 दिन में आपका पेमेंट सम्मानजनक आपके उनके कमल सिंह जी के घर पे पहुंचा देंगे। बस हमें जैसा ही समय मिला हमने उनको बुलाया और उनको पूरी राशि जो है सम्मान सहित उनको वापस कर दी गई है। मेरा नाम कमल सिंह। कहाँ रहते हैं? बड़ौदा गाडरी। क्या मामला है? मामला यही था कि वो खाते में डल गए उनके पैसे, गलत नंबर था तो वो गलत नंबर पर निकल गए। भाई के पैसे आए थे? ये आवास योजना का। अच्छा, किसके खाते में गए थे? ये लक्ष्मण सिंह ठाकुर भाई। फिर अब क्या हो तो उनके सेक्रेटरी साहब ने उनसे जांच पड़ताल करी, जैसे कि सोच पड़ी हो उसके मालूम थी सब। लौटा दिए? हाँ लौटा दिए। कैसा लग रहा आपको? बढ़िया। और क्या, अब ईमानदारी का काम है सब। और क्या News Desk, Time 8.